हेलो विद्यार्थियों, आपका एसजी ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का विद्युत धारा। विद्युत धारा इट मीन्स आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश क्या चीज है? आवेश इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेश है। जो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। सो देखते हैं, मैंने इसकी यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है। किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से टी समय में गुजरने वाले कुल आवेश को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। इसी परिभाषा से मैंने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश का प्रवाह दर, दर क्या है? टी समय के सापेक्ष दर टी समय के सापेक्ष निकाली गई है। इसलिए कहते हैं किसी चालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल से टी समय में गुजरने वाले कुल आवेश क्यू को विद्युत धारा कहा जाता है। यहां मैंने चालक तार ले रखा है, ये इसका ए सिरा है और ये बी सिरा है। आवेश हमेशा धनात्मक सिरे से लेकर ऋणात्मक है सिरे की ओर प्रवाहित होता है। आवेश हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होता है। जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं वो ऋणात्मक है सिरे से लेकर के धनात्मक के सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो ध्यान रखना कि कुल आवेश धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो हमेशा आवेश की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। सो मैंने परिभाषा में बताया है किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल इसका मतलब इसका जो कुल क्षेत्रफल है उसका हर जो पार्ट है, हर भाग है, उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल है। इसकी जो मोटाई है, इसकी लंबाई है, वो इसका प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल आवेश को, आवेश यहाँ पर क्यों क्या दे रखा है? कुल आवेश यहाँ क्यों क्या है? कुल आवेश और टी क्या है? समय। सो प्रति इकाई क्षेत्रफल से कुल आवेश प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। भाई कितने समय के अंदर कुल आवेश धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है, वही क्या होती है? विद्युत धारा। यहां पर विद्युत धारा को I से निर्देशित किया जाता है। I मीन्स क्या होता है? इससे पहले Q कुल आवेश है और इस Q की जो वैल्यू होती है वो Ne के इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ सी। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? उस पर जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। सी मीन्स क्या है? कूलाम। इट मीन्स आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम जिसे सी से निर्देशित किया जाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। सो यहाँ पर मैंने परिभाषा बताई किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल, हर एक क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित होगा, टी समय में गुजरने वाले कुल आवेश को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो यहां पर विद्युत धारा I क्या है? विद्युत धारा, इट मीन्स विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? कुल आवेश Q, लगने वाला समय क्या है? T। इट मीन्स कुल आवेश या फिर आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय, और यही क्या होती है? विद्युत धारा। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यहाँ पर Q कुल आवेश है, T समय है और इसका मान विद्युत धारा के बराबर होता है। अब यहाँ पर
आई विद्युत धारा है, उसको आगे देखते हैं। मैंने सूत्र लिखा है I इज इक्वल क्यू अपॉन टी, आवेश अपॉन समय, वो विद्युत धारा के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा I किस में निर्देशित की जाती है, एम्पियर में। इसी फॉर्मूले से निकालते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है कुल आवेश, तो आवेश अपॉन समय, इसका मान एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर। इसलिए आवेश सॉरी विद्युत धारा हमेशा एम्पियर में मापी जाती है, जिसे ए से निर्देशित किया जाता है। विद्युत धारा को आई से निर्देशित किया जाता है और इसका जो मापक वो एम्पियर है, जिसे ए से निर्देशित किया जाता है। और एम्पियर को मापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे कहते हैं हमारे एमीटर, जिसे कहते हैं हमारा एमीटर। अब यहां पर मैंने बताया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसे समीकरण नंबर एक। यहां पर Q का मान भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल I इंटू टी, कुल आवेश भी निकाला जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको, समीकरण नंबर सेकेंड। और यहां पर समय भी निकाला जा सकता है, T क्या है यहां पर समय, T इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन I। तो यहाँ पर हमारे पास तीन समीकरण से मिल गए, विद्युत धारा से। विद्युत धारा का मान क्या होता है, Q अपॉन T, कुल आवेश होता है I इंटू टी, विद्युत धारा इंटू समय। और T अगर अपने को निकालना तो Q अपॉन I, यानी कुल आवेश अपॉन विद्युत धारा। तो ये आपका है विद्युत धारा। और विद्युत धारा की जो ऐसा यूनिट है मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। अब देखते हैं अपन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इसी के आधार पर विद्युत धारा की कुछ छोटी यूनिट भी देखते हैं। मैंने बताया कि विद्युत धारा का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है, एम्पियर, जिसको ऐसे निर्देशित किया जाता है। ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। एम्पियर से छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मिली एम्पियर। अपन देखते हैं 1 MA, 1 MA का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, ये ध्यान रखना। एम्पियर से छोटी यूनिट मिली एम्पियर आ रही है, और मिली एम्पियर से छोटी यूनिट क्या आती है, माइक्रो एम्पियर। ये मिली एम्पियर का साइन है, ये माइक्रो एम्पियर का साइन है। सो एम्पियर से छोटी यूनिट क्या होती है, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10^-6 एम्पियर होते हैं। यहाँ पर इसको आगे सोल्व आउट भी कर सकते हैं, पढ़ इसको ऐसे कर सकते हैं 10^3 एम्पियर, 1/10^, क्योंकि ये पावर नीचे आते ही प्लस में आ जाएगी, और इसको लिख सकते हैं 1/10^6 एम्पियर। तो ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, उससे छोटा जो मात्रक होता है वो मिली एम्पियर होता है, और उसी से छोटा होता है वो माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, या फिर 1/10^3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में 10^-6 एम्पियर होता है, या फिर 1/10^6 एम्पियर। ये विद्युत धारा की जो मात्रक है वो तीनों बताए हैं मैंने। नेक्स्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा देखते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे आएगी। वही विद्युत धारा के सूत्र से ज्ञात होगा, आई क्या विद्युत धारा अपॉन स्पष्ट क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, आई स्पष्ट क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर, अपने को निकालना है 1 एम्पियर, यानी ए निकालना है, 1 A means 1 एम्पियर की परिभाषा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए विद्युत धारा का मान, 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आई की जगह क्या आएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की वैल्यू कब आएगी, जब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1-1 होगी, यानी कुल आवेश भी कितना होगा, 1 कूलम, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक मैंने कूलम बताया। और समय भी कितना होगा, 1 सेकंड। तो यहाँ पर कुल आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और समय कितना होना चाहिए, 1
सेकंड, ये एक एम्पियर के बराबर होगा। इसका मतलब एक एम्पियर की परिभाषा को अगर अपन देखते हैं कि किसी चालक तार में एक सेकंड में गुजरने वाले एक कूलाम कुल आवेश का जो मान होता है वो एक एम्पियर के बराबर होता है। इसका मतलब एक एम्पियर यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसका जो मान होगा वो एक एम्पियर के बराबर होगा। ये एक एम्पियर की परिभाषा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक है, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है नेक्स्ट टुमारो।